तन कोड़ी सा करूं जली, मेरी ओर का ख्याल नहीं, मैं तेरी कटक में मरूं जली। बुढ़ा बालम वीर सेवासन जतन कोड़ी सा करूं जली।
देखो, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, और मैं तो आज तक पछता रही हूँ शादी करवा कर। आज तक मुझे पति का वो प्यार नहीं मिला। मैं तो ब्याही होकर भी बिना ब्याही जैसी हूँ, और तुम्हारी और मेरी तो कितनी सुंदर जोड़ी जचेगी। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम मेरे संग पिलंग पर बैठकर मीठी मीठी बातें लगाओ और मेरा जी बहलाओ। और कोई भी तमन्ना नहीं है जीवन में। पूरनमल, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? माँ, तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी जननी के समान हो। और माँ को बेटे के प्रति ये बातें शोभा नहीं देती जो तुम कह रही हो। क्या मैं अपने पिता की शेज पर पैर रख सकता हूँ? माँ, धरती फट जाएगी, आसमान हिल जाएगा। इन रीति रिवाजों को मत लांगो माँ, नहीं तो ये संसार बुरा कहेगा। तुम तो सांसारिक बातों की, फिर भी ये इस तरह की बातें कह रही हो। क्यों पाप की भागी बन रही हो? तुम्हें भगवान से डर नहीं लगता क्या माँ? पूरनमल, कैसा पाप, कैसी दुनिया, मेरा तो सब कुछ तुम ही हो। क्या ये पाप नहीं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानकर भी मेरी बात नहीं मान रहे? तुम तो मेरा अपमान कर रहे हो। मैंने जब साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे पिता से नाराज हूँ और तुम मेरे मन में बस गए हो, अब सब कुछ मैं तुम पर वार चुकी हूँ। माँ, माँ कुछ होश करो, कुछ विचार करो, तुम क्या कह रही हो? ये शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते माँ। तुम तो इतनी समझदार होते हुए भी कैसी कैसी बातें कह रही हो, कुछ तो ख्याल करो अपने बेटे का। पूरनमल, मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मुझे होश है। मैं तो कामदेव से घिर चुकी हूँ और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, क्या बुरा है क्या भला है। मैं तो बस पागल हो चुकी हूँ, मेरे सारे बदन पर पसीना आ चुका है। मुझे संभाल लो पूरनमल, मेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तो इस बैरन जवानी का है जो मुझे तंग कर रही है। मैं तो खुद भी होश में नहीं हूँ। दया करके मेरे मन की मुराद पूरी कर दो। मैं तुम्हारा पूरी उम्र एहसान नहीं भूलूंगी और ना ही इस बात को तुम्हारे और मेरे सिवा और किसी को पता चलने दूंगी। माँ, 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 तुम पागल तो नहीं हो गई हो? क्या कह रही हो? एक माँ होकर अपने बेटे को ऐसी बातें कह रही हो? पूरनमल, मेरी बात मान ले, नहीं तो बहुत पछताएगा। नहीं माँ, मैं यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। निर्वाह होगा तुम्हारा माँ, मैं बेटा और तुम माँ हो। ये हमारा कितना पवित्र नाता है, और तुम कह रही हो कि मैं तेरे साथ प्यार भरी बातें करूं। कुछ ख्याल कर पापन, कुछ ख्याल कर, तू क्या कह रही है? पूरनमल, मेरी बात मान ले, यदि तू नहीं मानेगा तो तेरी आंखें निकलवा कर अपनी एड़ी के नीचे रखकर फोड़ दूंगी, और तेरे शरीर के खून से अपना चीर नहीं रंगा तो मेरा जीवन कुछ नहीं। अब तू खुद फैसला कर ले कि तूने क्या करना है, मरना है या मेरी बात माननी है। माँ, बस यही बात है तो मेरी सुन। अगर मेरे शरीर के टुकड़े करके भी कौओं के सामने डाल दिए जाए ना, तब भी मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मेरा यही फैसला है। अब आप जो चाहें वो करें, मुझे सारी बातें मंजूर हैं, परंतु ये बात नहीं मानूंगा माँ, नहीं मानूंगा। अच्छा, ये अपना रुमाल तो लेता जा, मेरी बात मान या ना मान, ये रुमाल तो तुम्हारा ही है। हे माता, आपने मेरा रुमाल देना है तो यही दे दो, अन्यथा मुझे रुमाल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चाहो तो मेरा रुमाल नीचे फेंक दो।